हाय दोस्तों, शाम हो गया है। चलिए तो खाना बना रहे हैं। आलू का पराठा बनाएंगे। तो खड़ा धनिया है, इसको खड़ा धनिया को भून दीजिए। थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए, जीरा डाल के इसको, और रोस्ट आपको भून लेना है। रोस्ट कर लीजिए उसको हल्का से, ओखन में चाहे खल में आपको दरदरा कूट लेना है। एकदम ज्यादा नहीं, आपको रोकना हल्का सा, आपको सुगंध आने भर एकदम इसको। यहाँ पर आलू उबाल लिए हैं। यहाँ पर आलू उबाल के इसको चोखा मिस आलू को मिस ऐसे कर लेते हैं। टाइम नहीं मिला तो शाम से ब्लॉग बना रहे हैं इसको। आज अब तो नया आलू आ गया है, वही साथ नया आलू का तो आलू भर के अच्छा लगता है। धनिया पत्ता और तो डाल के बनाइए, बढ़िया बनेगा। गरम गरम धनिया के साथ चाहे दही के साथ, ठंडी में तो दही नुकसान करेगा। गैस को हम बंद कर लेते हैं। मैश कर ले इसी में दरदारा जो धनिया जीरा सौंफ को रोस्ट किए हैं उसी को कूटेंगे, दरदारा टाइप का बनाकर इसको इसमें मिलाएंगे। तो इसको इसमें निकाल लेते हैं, इसको दरदारा कूट लेते हैं, तब इसमें मिलाएंगे चोखा में। आपको आप कैसे बनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आपको सादा सिंपल खाना इस तरह बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धनिया और सब डालकर कूट के बनाइएगा। तो थोड़ा सा आपको ठंडी के दिन आ गया है, हरा धनिया यहाँ डाल दीजिए। मेथी का पराठा बनाइए, अब तो सीजन नहीं आ गया है इसका ठंडा का। हम दरदरा कूट लें, ब्लॉक मेरा नहीं जा पा रहा, तबीयत खराब था, कैसे मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आलू है, इसमें हमने कूटी हुई धनिया जो कूटे थे उस इसको मिला लेंगे इसमें। इसमें कूटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, टेस्टी बनता है। एक बार बना के ट्राई कीजिएगा तो बताइएगा कमेंट में। इसको नमक डाल लें, नमक स्वाद अनुसार अपना इसको मिला लें। इसमें थोड़ा सा आप
अमचूर पाउडर नहीं तो चाट मसाला डाल दीजिएगा। आटा लगा लेते हैं। इसका कभी भी आटा पराठा का बनाइए चाहे आलू का बनाइए, आटा कभी भी सॉफ्ट आटा मुठिएगा। इसके लिए एकदम अच्छा पराठा बनता है, एकदम मुलायम। इसमें आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते थे, नमक डालना तो सिर्फ आटा ही लगा रहे हैं, कुछ इसमें नहीं डाले हैं। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। आटा तो गूंथ लिए हैं, चलिए बनाते हैं। तवा चढ़ा दिए तो बना रहे हैं। तवा भी गर्म हो गया है, गरम गरम खाइए ठंडी का दिन है। धनिया की चटनी, आलू का पराठा, हम तो बड़ा बड़ा बनाते हैं, आप लोग जैसे बनाना है अपना हिसाब से बना सकते हैं। देखिए कहीं से नहीं फटा है इसको, आप सब बना सकते हैं। चलिए आपको मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार आपको मेरे ब्लॉग में। चलिए तो आपको आज का रूटीन दिखाते हैं। आप हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। देखिए शाम से स्टार्ट ब्लॉग कर रहे हैं अपना, सुबह थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसके वजह से टाइम मिला है तो सोचे डाइनिंग टेबल साफ कर दें। चलिए तो मैं आज इसने खा ली है, शाम को डाइनिंग टेबल साफ कर रहे हैं तो मेरी बेटी आज चिल्ला बना रही है तो सोचे क्या साफ कर ले। दिन में समय नहीं मिलता है, कभी कभी काम पड़ जाता है जरूरत ज़्यादा, तो इसीलिए सोचे क्या आज शाम को ही डाइनिंग टेबल साफ कर। तो मेरी बेटी चावल भूंज रही है, फ्राई कर रही है। आलू मिर्च डालकर यहाँ पर शिमला मिर्च है, मटर है, सब डाल के बना रही है। रात को डिनर चावल बचा था वही फ्राई कर रही है। देखिए तो बाहर निकल कर टहल रहे अपना बंटी में, तो सुबह नहीं ब्लॉग बना पाए तो इसलिए सोचा कि शाम को ही बना दें।
शाम को बना रहे, लाइट चल रहा है। अब इसके डैडी तो आएंगे तब खाना खाएंगे। आप लोग कैसे हैं? मैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग थोड़ा से। तो से मेरा वीडियो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा जाएगा, बना रहे हैं। उसके बाद में आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए वीडियो को। अभी तो क्या है, ठंडा का मौसम, उतना भी यहाँ ठंडी नहीं है। आप लोग बताइएगा उधर, आप लोग जहाँ से भी होंगे, हम लोग आपको जैसा वीडियो चाहिए वैसा कमेंट कीजिएगा, हम वैसा ही वीडियो बनाएंगे आप लोग को जैसा पसंद पड़ेगा। आप लोग भी थोड़ा से बताइएगा तब ना हम बनाएंगे। अपना से कोशिश कर रहे हैं बनाने का। अच्छा, डाइनिंग साफ हो गया, देखिए कंप्लीट हो गया है साफ करके। देखिए सोफा भी इधर लगा दिए साफ करके। दिन में नहीं टाइम मिलता है तो ऐसे सुबह में ज़्यादा काम पड़ जाता है तो हम शाम को ही कर लेते हैं कभी कभी। हमको जैसे मौका मिलता है वैसे हम काम करते हैं, ये नहीं कि हम जरूरी है कि हम सुबह ही काम करेंगे, पूरा निपटाते हैं। ठीक है, यही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।